बागेश्वर जिले के दूरस्थ क्षेत्र दाबू हड़ाप के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र मोटर मार्ग का निर्माण प्रारंभ किए जाने की मांग की। आज सिमगढ़ी व दाबू हापड़ के ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात की तथा उन्हें ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि मोटर मार्ग शासन द्वारा स्वीकृत है, लेकिन लोनीवी द्वारा इस मार्ग की निविदा 2 बार आमंत्रित कर दी गई है, परंतु अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। बागेश्वर से अखिल आजाद जोशी की रिपोर्ट। हीरा सिंह, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सिमगढ़ी से, और हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पूरे गांव वाले, क्योंकि लंबे समय से हमारी जो एकमात्र जो मांग थी और हमारी जो एकमात्र परेशानी जो है सड़क से संबंधित थी, जो कि आज से नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही है, और उस संबंध में हम आज यहाँ पर हमारे जिला मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन देने आए थे, जिस संबंध में कि उनके द्वारा कुछ कार्रवाई करी जाएगी। जबकि हम हर कई सालों से हम जो है शासन प्रशासन द्वारा हमारे साथ दोगला व्यवहार, इकलौता सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बार बार यहाँ पे ऑफिस में आके बार बार उनसे बात करने से हमें खाली आश्वासन दिए के भेज दिया जाता है। हम लोग जो हैं, अभी हमारा जो सड़क का जो विस्तार होना था, जो पहिया हरिनगरी पहिया से दाबू हड़ाप की ओर, जो कि अभी हमारे जैसे कि आप लोग देखते होंगे, सभी ग्रामीण आए हैं बड़े आक्रोश के साथ यहाँ पे डीएम साहब के यहाँ पर अपने ज्ञापन देने के लिए, कि अगर इस बार भी अगर हमारे साथ ऐसा ही रहा, हमारी मांग को पूरी नहीं करेंगे, तो हम भविष्य में आने वाली विधानसभा 2022 के उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे।